हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक टैंक। मेरा नाम है शेखला। दोस्तों, आज के जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है बद्री 313 बैटालियन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हो, ये जो इमेज देख रहे हो आप, ये कोई ईरान की मिलिट्री नहीं है, ये कोई इंडियन आर्मी की फोर्सेस नहीं है, ये कोई यूएस आर्मी फोर्सेस नहीं है। ये कौन है दोस्तों? ये तालिबान का न्यू स्पेशल फोर्सेस है, जिनको नाम दिया गया है बद्री 313 बैटालियन। एक्चुअली क्या है, आप देख रहे हो जैसे टैक्टिकल रेडियो है इनके पास, मॉडर्न इक्विपमेंट्स है इनके पास। तो ये अमेरिकन स्टाइल टाइप जो है फोर्सेज अभी मॉडर्नाइज कर रहे हैं अपने आप को, ये तालिबान फोर्सेज। तो इनमें यूएस के M4 राइफल्स यूज कर रहे हैं, बॉडी आर्मर है इनके पास, आर्मर्ड हम्मी है इनके पास, टैक्टिकल नी पैड्स है। तो ये दोस्तों, ये सारी चीजें जो है ये कहां से आते? कभी ऐसे तालिबान हुआ करते थे जो कमीज और सलवार पहनकर निकलते थे लड़ने के लिए, लेकिन अब इनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, हाईली क्वालिफाइड इक्विपमेंट्स है, जैसे कि विजन गॉगल्स है, नाइट विजन डिवाइसेस है इनके पास। तो ये आया कहां से दोस्तों? या तो इन्होंने अफगानिस्तान के फोर्सेस से लिया है, या तो यूएस आर्मी ने जो वहां से, जब जो बाइडेन ने सडनली ऐलान किया था कि हमें अपने ट्रूप्स को अब विड्रॉ करना है, तो जो ही वो डिक्लेयर किया तो सारे ट्रूप्स जो है वो चले गए और उन्होंने अपने ऊपर जो पीछे जो इक्विपमेंट्स थे उनके पास वो वहीं पे छोड़ दिए और तालिबान उनको लेके यूज कर रहे हैं अब। तो इसी वजह से रिसेंटली इन्होंने रिपोर्ट्स में ये काफ़ी धूम मच गई है, मीडिया रिपोर्ट्स में, वेस्टर्न मीडिया में, क्योंकि जब अमेरिकन जब तालिबान ने नए नए इक्विपमेंट्स के साथ पिक्चर्स रिलीज किए, फोटोज रिलीज किए, तो काफ़ी हलचल मच गई, क्योंकि इनके पास भी अब मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जैसे हम्मी हो गया, M4 राइफल्स, ये US बेस्ड सबसे इंपॉर्टेंट राइफल माना जाता है और पावरफुल वेपन माना जाता है। तो ये जो अब तालिबान के पास मौजूद है, तो ये क्योंकि इन्होंने रिलीज इसलिए कि ताकि दुनिया को पता चले कि नहीं, हम भी मॉडर्नाइज्ड है और अब हम जो है, हमने जो है ऑलमोस्ट अफगानिस्तान का 90% एरिया जो है वो हमने कवर किया है, और ये दिखाना है कि नॉर्दर्न एलियंस जो है वहां पे अमरुल्ला साले की जो वहां पे चलाता है, जो अफगानिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट है, तो उनको दिखाने के लिए कि नहीं, वी आर द कंक्यूअर्स, वी कंक्वर्ड अफगानिस्तान, कि अब हम चलाएंगे अफगानिस्तान को। तो रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है दोस्तों कि जो बद्री 313 बैटालियन है, 313 एक बैटालियन है, और नाम जो है इसको बद्री क्यों रखा गया, क्योंकि ये अगर हम इस्लाम में भी देखेंगे तो कोई एक लड़ाई हुई करती थी प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में, बद्री नाम के बैटल, द बैटल ऑफ बद्री, तो उसी नाम के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने स्पेशल फोर्सेस को बद्री 313 बैटालियन रखा है। तो डिस्प्यूट अभी चल रहा है कि प्रेसिडेंट अफगानिस्तान का कौन है, कभी अमरुल्ला साले है या अब्दुल गनी बरादर है, तो इन दोनों में डिस्प्यूट भी चल रहा है। तो अभी अगर हम देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले दिनों में। तो उसके बाद तो ऐसे समय में ये फोटोज़ इन्होंने रिलीज़ किए हैं, तो रिलीज और ये इन्होंने अपने फ्लैग भी रिलीज़ किया है, जो नया फ्लैग है उनका, ये देखिए आप दोस्तों यहाँ पे पिक्चर में देखा गया है, तो नाइट विजन गॉगल्स के साथ है, टेक्निकल नी पैड्स के साथ है ये तालिबान फोर्सेज। तो काफ़ी चैलेंजिंग होगा इनके लिए, नॉर्दर्न एलियंस के लिए इनके साथ, तो क्योंकि नॉर्दर्न एलियंस ने अभी जो है रिसेंटली डिक्लेयर किया था दैट वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट तालिबान गवर्नमेंट नाउ, बिकॉज नॉर्दर्न एलियंस जो है पंचीर वैली में जो है वो उनका ज़्यादा जो है वो डोमिनेंट है वहाँ पे, और वो नहीं चाहते हैं कि अफगान न्यू फोर्स जो है तालिबान है ये हमारे वैली में आ जाए और हम उनको साथ कोई भी किसी भी तरह की पीस डील नहीं करना चाहते हैं। तो रिपोर्ट्स में ये आया है कि बद्री 313 जो है ये तालिबान के स्पेशल कमांडो माने जाते हैं अफगानिस्तान में, और इन्होंने ये प्रेस रिलीज में बोला है कि हम जो है इनको हम पेट्रोलिंग के लिए करेंगे अफगानिस्तान के काबुल के स्ट्रीट्स में, और इन्होंने रिसेंटली जो है वो प्रेसिडेंट ऑफिस के इर्द गिर्द भी अपने फोर्सेज को लगाए हैं, बैटालियन 313 के फोर्सेज। तो तालिबान है प्रीवियसली रिलीज्ड वीडियो एंड पिक्चर्स ऑफ द यूनिट सोल्जर्स, और रिसेंटली इन्होंने ये रिलीज किया है ताकि तो दुनिया को दिखाए कि हम भी अब कमीज सलवार वाले फोर्सेज नहीं रहे, हमारे पास भी इक्विपमेंट्स है, हम जो है अफगानिस्तान के साथ जो है अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के लिए हम भी जो है यूज कर सकते हैं इक्विपमेंट्स को। तो हाईली इक्विप्ड थे, आर्मर्ड थे, विद मॉडर्न मिलिट्री हार्डवेयर थे इनके पास। तो अब जो है
जो माना जाता है चैलेंज जो है हमारे इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है डिसाइड करना कि क्या वो अफगान न्यू फॉर्म न्यू गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी या नॉर्दर्न एलियंस के फेवर में रहेगी। तो ये आगे दिखाना देखना होगा क्योंकि इंडियन हमारी जो भारत है कंट्री है वो भी वॉच करेगी कि कहाँ जाएगी। अभी इनको वॉच करना है, टाइम पे डिसाइड करेंगे कि क्या होने वाला है अफगानिस्तान में, नॉर्दर्न एलियंस का क्या रोल रहेगा या अफगानिस्तान तालिबान जो न्यू गवर्नमेंट है क्या वो कहाँ पे तक पहुँच जाएगी। तो ये सारी चीज़ें देख कर हमारी इंडिया जो है वो डिसाइड करेगी हमें कहाँ जाना है और कैसे जो है हमें रिलेशन रखने हैं। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए था आपको ये बद्री 313 बैटालियन के बारे में, क्योंकि माना जाता है ये जो है ये बैटालियन जो है ये रिसेंटली इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और ये चाहते हैं कि हम इनको अफगानिस्तान के सारे स्ट्रीट्स में जो है वो यूज करने के लिए रखे हैं हमने। और तमाम जो है इक्विपमेंट्स हैं वो M4 राइफल्स जो है माने जाते हैं वो AK-47 से भी काफ़ी पावरफुल होते हैं और इन्होंने वो भी स्टार्ट करना यूज़ करना स्टार्ट किया है जो कि इन्होंने अमेरिका के फौज से लिया है या तो अफगान फोर्स से छीन कर लिया है, क्योंकि रिसेंटली अफगानिस्तान के जो फोर्सेस थे जिनको US जो ट्रेन कर रही थी तो लेकिन अब वो भाग गए हैं, अब वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अब वो उन्होंने सरेंडर किया, तो जो भी इक्विपमेंट्स बचे थे वो तालिबान के हाथों में आ गया है। तो इस तरह से तालिबान ने ये वीडियो रिलीज किया था, पिक्चर्स रिलीज किए थे ताकि हम भी दुनिया को दिखाए कि हमारे पास भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट बद्री 313 बैटालियन। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन फॉर कमिंग अपडेट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।